हेलो गाइस, सो आज हम देखने जा रहे हैं 26 फीट 6 इंच x 27 फीट 9 इंच का प्लान। सो गाइस, यह प्लान इस की जो प्लॉट एरिया था वो इस टाइप से था कुछ, जो बैक साइड में था इनका 26 फीट 6 इंच एंड फ्रंट में इनका 25 फीट x 6 इंच, जो 1 फीट का नेरो इनका साइज था। जो इस टाइप से प्लान को अपन गौमुखी प्लान भी बोलते हैं, जो आगे से कम एंड पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है विथ कंपेयर टू फ्रंट साइज। देन आओ तो हम डिस्कस करते हैं प्लान के बारे में। सो फ्रंट में अपन ने एक गेट ले रखा है, फ्रंट गेट। देन उसके बाद अपना आते हैं पार्किंग में। देन यह अपन ने पार्किंग ले रखी है जो 15 फीट x 14 फीट 3 इंच की। देन यहाँ से स्टेयरकेस दे रखी है अपन ने, स्टेयरकेस 3.5 फीट दे रखी है, 3.5 फीट विड्थ है एंड 10 इंच का इसका टप्पा है अपना। देन कंटिन्यू स्टेयरकेस जा रही है अपनी। देन उसके बाद अपन आते हैं ड्राइंग हॉल में। ड्राइंग हॉल में अपनी एंट्री होती है। ड्राइंग हॉल अपन ने ले रखा है 14 फीट 3 इंच x 10 फीट का, जो आप देख रहे हो। एंड इसमें अपन ने फ्रंट में एक विंडो दे रखी है, जो आप एलिवेशन में देख रहे हो यह विंडो। देन उसके बाद फिर अपना आता है बैक साइड में किचन। किचन का डोर अपन ने थोड़ा सा इंक्लाइंड ले रखा है, क्योंकि अपन इसको फ्रंट करने जा रहे थे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू ये आ रहा था कि यहाँ से इनकी जगह कट हो रही थी, इधर से इतनी कट हो रही थी, तो कुछ यहाँ पे एरिया अपने को कम मिल रहा था। देन इस टाइप से अपन ने इसको क्रॉस कर रखा है। देन यहाँ से एंट्री होती है अपनी, तो अपन ने यहाँ पे इनका फ्रिज पॉइंट बना रखा है। देन एल टाइप से किचन दे रखा है, जो देख रहे हो आप 7 फीट x 12 फीट 6 इंच का। देन किचन में ही अपन ने इनका एक स्टोर रूम दे रखा है, जिसकी साइज देख रहे हो आप 4 फीट 10 इंच x 5 फीट 6 इंच। देन इसी में अपन ने एक विंडो दे रखी है इनको। देन किचन से अपन बाहर आते हैं, फिर आते हैं अपन कॉरिडोर से अपन वास एरिया में जाते हैं। देन यहाँ पे इनका एक बहुत ही बड़ा अपन ने वास एरिया दे रखा है। देन वास एरिया के बाद एक इसमें अपन ने ओटीएस दे रखा है, ओपन टू स्काई, जो किचन एंड पीछे बैक साइड रूम में एंड कॉमन टॉयलेट के लिए, तीनों के लिए वेंटिलेशन का काम करेगा। सो एक बेड कॉमन टॉयलेट दे रखी है अपन ने बैक साइड में 4 फीट x 6 फीट की, सो देख रहे हो आप। एंड इससे बाहर आते हैं अपन D3, एक अपन ने लास्ट में रूम दे रखा है, जिसकी साइज़ देख रहे हो 12 फीट 6 इंच x 9 फीट का। एंड इसमें भी अपन ने एक विंडो दे दी कि एक बेडरूम में अपने कोई बैठा है एंड बाहर पोर्च से कोई आया तो एक यहाँ से भी कोई देख सके, डायरेक्ट अंदर से भी अपने को दिख जाए कि कोई आया है अपने मकान में। सो गाइस, हमने यह प्लान देखा, 26 फीट 6 इंच x 27 फीट 9 इंच का प्लान। सो अपन ने इसका एलिवेशन देखा, यह इसका एलिवेशन है गाइस, सो आप देख रहे हो। सो इसका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर सेम एज इट इज़ प्लान है। सो इस तरीके से अपन ने इसको एलिवेशन दिया है। सामने इनकी बालकनी आ गई है, हाफ बालकनी जो देख रहे हो आप। देन इसमें अपना एक डोर आ गया एंड विंडो आ गई एंड एक बालकनी उधर पोर्च से अपनी आ गई। सो गाइस, कैसा लगा आपको यह प्लान? उम्मीद है मुझे अच्छा लगा होगा। एंड इसी टाइप से और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।